डॉक्टर ब्रजेश महादेव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं सोनभद्र के सुप्रसिद्ध डैम नगवा में विचरण कर रहा हूं और आप लोगों को नगवा बांध का विहंगम दृश्य दिखा रहा हूं। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं नगवा जलाशय। यह बहुत पुराना बांध है और यहां से सोनभद्र के अधिकांश भागों में सिंचाई होती है, खासकर सोनभद्र के विकास खंड चतरा और नगवा में इस बांध का लाभ मिलता है और किसान सिंचाई करते हैं इस बांध से। यह बांध सोनभद्र की सुप्रसिद्ध कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। आप पीछे देख रहे हैं कर्मनाशा नदी की तली और यह नगवा गांव में स्थित है। मैं बता दूं कि नगवा गांव में स्थित इस डैम के कारण ही विकास खंड का नाम भी नगवा पड़ा है। यह रमणीक स्थान है और यह प्रकृति की गोद में स्थित है। घनघोर जंगल में से होकर यहां आना पड़ता है और यह बहुत ही रोमांचकारी से भरा हुआ स्थान है। काफ़ी दूर दूर से यहां पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। आज मुझे भी मौका मिला, मैं आप सबको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं इस बांध का विहंगम दृश्य। हमारे सोनभद्र का गौरव, विकास खंड नगवा का गौरव, यह बांध किसानों के लिए वरदान है जो कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का संरक्षण सिंचाई निर्माण खंड रावर्सगंज सोनभद्र द्वारा किया जाता है। बांध का क्रेस्ट लेवल 1146 मीटर तथा बांध का पूर्ण जल स्तर 1163 फीट बताया गया है। साथ ही बांध का DLS 1102 फीट और बांध की कुल क्षमता 3947 मिलियन घनफुट बताया गया है। यह जानकारी हमें इस बोर्ड से मिला है। एक बार आप बांध का अवलोकन करिए और जब भी मौका मिले तो घूमने जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।